पीरियड के अंदर फर्स्ट इंडिया प्रोग्राम करा है, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करा है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हिंदुस्तान में भी संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। ऐसी वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एक योद्धा के रूप में मानव जीवन बचाने के लिए, संक्रमित लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए जो काम किया, निश्चित तौर पर मैं फर्स्ट इंडिया और जेसी साहब आपको बधाई देना चाहूँगा। शायद हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट इंडिया पहला चैनल होगा जिसने सामाजिक सरोकारता से जुड़े हुए एक ऐसे शानदार कार्यक्रम को आगाज़ करके पूरे प्रदेश के अंदर उन लोगों को सम्मानित किया जो नेपथ्य में रहकर उस संकट में मानव जीवन को बचाने में जुटे हुए थे। और आज जब उन्हीं लोगों के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी 16 जनवरी से प्रारंभ किया है, अब उन्हीं के कंधों पर ये गुरुतर उत्तरदायित्व तो और आ गया है। और मैं समझता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे वैज्ञानिकों का। दुनिया के वैज्ञानिकों को जब इसका जोर तोड़ नहीं मिल रहा था, तब उस वैक्सीन को ईजाद किया और एक सुरक्षा चक्र पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को दिया। और मैं समझता हूँ कि धरती के भगवान के रूप में समाज में स्थापित इन चिकित्सा कर्मियों से लेकर सभी वो लोग, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, सफाई कर्मी हो, हर व्यक्ति ने भूमिका अपनी निभाई। और भामाशाह की धरती में उन भामाशाहों ने भी जो काम किया, कोई भूखा नहीं सोए, ये बात कहना आसान है। पर इतने बड़े राजस्थान के अंदर, जहाँ जिन राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी से जिन राजनीतिक दलों ने इस मुहिम में सक्रियता से भाग लिया, उनको भी आज धन्यवाद देने का मौका है। यहाँ बहुत सी बातें हुई, हम सब लोग चिंतित थे। राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, जब इस बात का मालूम पड़ा कि एक इटली का पर्यटक संक्रमित होकर स्वाई मानसिक चिकित्सालय में है, उस दिन से सब लोगों ने कहा हम राजनीतिक लक्ष्मण रेखा में नहीं रहेंगे और इस वैश्विक महामारी के बीच में एकजुटता के साथ काम करेंगे। और उस एकजुटता के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो आज जिन्हें सम्मान मिला वो सही में सम्मान के हकदार है। मैं उन्हें सलूट करता हूँ और फर्स्ट इंडिया के कातिल साहब की कातिल निगाहों ने उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ढूंढा, इसलिए कातिल साहब आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।